तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का फिर से नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन में, कंस्ट्रक्शन जॉब के बारे में आज बात करने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि क्रोशिया के अंदर कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से जॉब यहाँ पे ज़्यादा है। अगर आपको क्रोशिया आना है और यहाँ पर आके पैसे कमाना है क्रोशिया के अंदर, तो आप इस जॉब में आके यहाँ पर अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं। तो मैं जो काम करता हूँ कंस्ट्रक्शन में काम करता हूँ, तो कंस्ट्रक्शन का काम के बारे में ज़्यादा एक्सपीरियंस है मेरा। लोग यहाँ के अच्छा खासा पैसे कमाते हैं, उनको भटकने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी जॉब में जैसे डिलीवरी बॉय में आते हैं तो लोग वो जॉब करते नहीं हैं, वो जॉब छोड़ देते हैं, छोड़ के दूसरी जॉब करते हैं, वो पसंद नहीं आता है फिर दूसरी जॉब करते हैं। लेकिन जो है कि क्रोशिया के अंदर यदि आप कंस्ट्रक्शन लाइन में आते हैं, यदि आप पहले से काम किए हैं और काम करते आ रहे हैं, तो आपके लिए जो है कि बहुत ही अच्छा यहाँ का मौका है काम पाने का। तो आप आसानी से यहाँ पे काम पा सकते हैं और अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं क्रोशिया में कंस्ट्रक्शन जॉब के बारे में, जो है कि यहाँ ड्राइवाल, जिप्सम कारपेंटर, जिप्सम बोर्ड का जो काम जानते हैं, जिप्सम बोर्ड का काम जो काम किए हैं, जो ड्राइवाल पार्टीशन का काम किए हैं, जो होल सेलिंग का काम किए हैं, जो ड्राइवाल जिप्सम बोर्ड पीओपी का काम किए हैं, उन लोग के लिए बहुत ही यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है क्रोशिया आने के लिए। तो कम बजट में जो है कि आप यहाँ आ सकते हो और यहाँ आके जो है कि पैसे कमा सकते हो। इसमें कंपनी आपको प्रोवाइड कराएगी, अकोमोडेशन देगी आपको, रूम खाना देगी और सैलरी 800 रुपये देगी। तो अच्छा यहाँ पे स्कोप है उसका, ड्राइवाल का और पार्टीशन का, फॉल सेलिंग का, सेलिंग जो पैनल का, जो है कि जो काम जानते हैं अच्छा खासा यहाँ पर पैसे कमा सकते हैं। तो देखिए मेरा काम क्या है, आप लोग को उससे रिलेटेड जो है कि जानकारियाँ देना, मैं आपके बीच में जो है कि जानकारियाँ देता हूँ, आपको बताता हूँ कि काम कैसे होता है। क्योंकि जहाँ पे हम काम करते हैं उसमें हमको पता है कि जिप्सम बोर्ड का काम कैसे होता है। अगर आप लोग के बीच में चाहिए जिनको आइडिया नहीं है कि जिप्सम बोर्ड का काम कैसे होता है, तो हम चाहेंगे कि एक वीडियो बना के आप लोग के बीच में ला देंगे कि भैया जिप्सम बोर्ड का काम ऐसे होता है। तो आप कहीं से अप्लाई करें, किसी भी कंसल्टेंट से अप्लाई करें, अपने किसी नज़दीकी एजेंट को पकड़िए, कैसे भी करके आप जो है कि यहाँ पर क्रोशिया के अंदर जो है कि जो अप्लाई कीजिए जिप्सम कारपेंटर के लिए, जिप्सम बोर्ड के लिए। तो यदि आप इच्छुक हैं क्रोशिया आने के लिए और सोचते हैं कि हम जाके वहाँ पे अच्छा खासा पैसे कमाएं, अपना जो है कि फ्यूचर अच्छा करें, तो आप जो है कि जल्दी से जल्दी कहीं जाके अप्लाई कीजिए। बहुत से ऐसे कंसल्टियाँ हैं जो आपकी सिटी में होंगी, आपके नज़दीक किसी एजेंट से संपर्क कीजिए तो आपका काम बन जाएगा। बस इतना ही कहूँगा कि इस समय जो है कि वर्क परमिट में थोड़ा सा देरी हो रहा है, थोड़ा सा बोले तो पहले 2 महीने के अंदर मिल जाता था, अभी 3 महीने लग जाता है वर्क परमिट आने में। अगर वर्क परमिट 3 महीने के अंदर मिल जाता है और 3 महीने यानी टोटल 5 से 6 महीने आपका क्रोशिया तक आने में लगने वाला है। तो दोस्तों क्रोशिया एक बार आ गए तो यहाँ पर आपको पता है कि यह शेंगेन कंट्री है, शेंगेन वीज़ा लगेगा। तो यहाँ एक बार आ गए तो आप यूरोप के किसी भी कंट्री में सेटल हो सकते हैं, आप कमा सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको एक एम्प्लॉयर ढूंढना पड़ेगा। आपको एम्प्लॉयर अगर मिल जाता है तो आप कहीं भी जाकर काम कर सकते हैं। लेकिन मेरा आप लोगों को सजेस्ट यही रहता है कि जिस भरोसे से कंपनी बुलाती है आपको कि हाँ चलो मैं वर्कर इंडिया से हायर कर रहा हूँ, बुला रहा हूँ, उस भरोसे को कायम रखना चाहिए। आपको जिस जॉब में आते हैं उस जॉब को आपको भली भांति करना चाहिए जितना हो सके, जब तक कि आपको लगे कि हाँ मेरा ठीक है, मेरा सैलरी सही है, मैं अच्छा पैसा अर्न कर रहा हूँ, अच्छा पैसे बचा रहा हूँ, घर पे पैसे भेज रहा हूँ, तब तक आपको वहाँ पे जो है कि काम करना चाहिए, आपको जो है कंटिन्यू काम करना चाहिए। यदि आप कंटिन्यू काम करते हैं तो आपको कोई भी कंपनी वाला आपको लाइक करेगा, पसंद करेगा, आपकी सैलरी इंक्रेज करेगा, आपको बढ़ाएगा, जो फैसिलिटी आपको चाहिए वो फैसिलिटी आपको मिलेगा। अगर आपने 1 महीने काम किए, 1 महीने काम छोड़ दिए, फिर दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली, दूसरी के बाद तीसरी गए, तीसरी के बाद चौथी गए, तो ऐसे में क्या होता है कि आपका जो है कि करेक्टर जो है कि ख़राब होता ही जाएगा। हर कंपनियों के माध्यम से आप नीचे गिरते जाएंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं जो ज़्यादा लालच करते हैं। तो आपको कम से कम किसी भी कंपनी में 1 साल या 1.5 साल जो है कि टाइम देना पड़ेगा, आपको तब तक देना पड़ेगा जब तक कि आपको आपके ऊपर कंपनी का पूरा ट्रस्ट ना हो जाए कि बंदा सही है, अच्छा काम कर रहा है, इनको अच्छी सैलरी देते हैं, अच्छा से इनका जो फैसिलिटी चाहिए इनको वो देते हैं, जो भी चाहिए हमको सारी मिलती है अगर कंपनी आपको लाइक करती है। तो जितने भी हमारे साथ काम करने वाले हैं, जो भी फैसिलिटी हमें चाहिए वो मिलता है, वाईफाई मिलता है, रूम मिलता है, गाड़ी मिली है, कहीं जाना है, घूमना है,
कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कहीं भी जा सकते हैं हम गाड़ी लेके, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर भी घूम के आ सकते हैं गाड़ी से, कोई दिक्कत नहीं, कंपनी वाला बोलने वाला नहीं है। तो आप लोग को भी अगर आते हैं जिस कंपनी में, उस कंपनी में जो है कि प्रॉपर काम करना चाहिए और कुछ दिनों तक अच्छे से काम करना, ताकि कंपनी का जो है कि एक जो भरोसा है वो बना रहे। तो दोस्तों जो है कि बस इतना ही करना है कि आप यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो क्रोशिया के लिए अप्लाई कीजिए और यहाँ पे आइए और पैसे कमाइए। तो आशा है कि जो है कि आप लोग को मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर कुछ भी समझ नहीं आता है, डाउट है, कन्फ्यूजन लगता है, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। टाइम मिलेगा तो मैं आपके व्हाट्सएप का रिप्लाई दूंगा, अगर टाइम नहीं मिला तो हो सकता है कि 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद रिप्लाई मिले, लेकिन ज़रूर मिलेगा। तो ठीक है जो दोस्तों, आज का वीडियो जो है कि यहीं पर ख़त्म करूँगा, फिर मिलूँगा आपसे दूसरी वीडियो में। लेकिन जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि क्रोशिया का आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।